रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा 2023 की शुरुआत से ही टीआरपी लिस्ट में धूम मचा रहा है। शो ने अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न से दर्शकों के दिलों में ऐसी धूम मचा दी है कि उन्हें रोजाना अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड्स का इंतजार रहता है। इन दिनों शो की पूरी कहानी छोटी अनु के इर्द गिर्द घूम रही है। बीते दिन भी अनुपमा में दिखाया गया कि छोटी अनु पूरे मेले में माया के गुणगान गाती रहती है। दूसरी ओर तोशु और उसके चेले अनुज कपाड़िया के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में आने वाले मूड यहीं खत्म नहीं होते हैं। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में दिखाया जाएगा कि संक्रांत के मेले में माया अनुपमा के साथ साथ बाकियों की पतंग काट देती है। वहीं छोटी अनु भी उसे देखते ही खुश हो जाती है और जाकर उसे गले लग जाती है। माया अनुज और अनुपमा को बताती है कि वो छोटी अनु की असली माँ है और उसे वापस ले जाना ही है। ये सुनते ही अनुज अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया दोनों से कहती है कि वो अभी तो जा रही है, लेकिन अपनी बेटी को लेने के लिए बहुत जल्द लौटेगी। अनुपमा में जल्द ही दिखाया जाएगा कि छोटी अनु को छीनने के लिए माया शाह हाउस का सहारा लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माया पहले चालाकी से काव्या को अपने साथ मिलाएगी। इसके अलावा वो वनराज को नौकरी देकर उस पर एहसान करेगी। इतना ही नहीं, माया छोटी अनु को छीनने के लिए बा का भी सहारा लेगी। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में एंटरटेनमेंट का दोष यहीं खत्म नहीं होता है। शो में जल्दी दिखाया जाएगा कि छोटी अनु कपाड़िया हाउस से किडनैप हो जाएगी। इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि माया का हाथ होगा। वहीं छोटी अनु को खुद से दूर जाता देख अनुज और अनुपमा तड़प कर रह जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।